12 संक्रमितों को हुआ अंतिम संस्कार, सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 4 मौतें। सरकार की मौतों के आंकड़ों पर उठे गंभीर सवाल। एमपी के सागर में लगा 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू, 20 रुपए चार्ज लेकर किराना सामग्री की होम डिलीवरी हो सकेगी, फल सब्जी पहुंचेंगी घर। प्रदेश में एक दिन में 10,166 नए कोरोना मामले आए सामने, देश का 8वां सबसे गंभीर संक्रमण वाला राज्य बना एमपी, यहां सबसे तेजी से बढ़ रहा है एक्टिव केस। महामारी के दौरान भी एक्सपायरी रेमडेसिविर का उत्पादन समिति रुक रही, कंपनी मुनाफे की लालच में अब सेवी ब्लू भी गायब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इंदौर में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालातों को बयां करते हुए कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक सके। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार का साथ नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं हर दिन अस्पतालों में लोगों की सेवा के लिए जा रहा हूं। उनका आरोप है कि शहर के मंत्री, सांसद, विधायक नदारद हैं, कलेक्टर, एसडीएम मेरे फोन नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि मैं उनसे विनती करता हूं कि कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर शहर में बीमारों की मदद के लिए आगे आए। साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन 2 दिनों में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेंगे। खंडवा के पंधाना नगर में निमाई पर्व, गणगौर पर्व को लेकर माता के जवारों का विसर्जन किया गया। कोविड को लेकर पर्व के दौरान प्रतिबंधक आदेश जारी हुए थे, संक्रमण बचाव को देखते हुए इस वर्ष जवारे विसर्जन में भीड़ भाड़ नहीं रही। इस दौरान सजे धजे रणुबाई व धनियार राजा फेस मास्क लगाए हुए थे। नगरवासियों ने धनियार राजा को मास्क लगाकर जागरूकता का संदेश दिया। आपको बता दें कि पंधाना तहसीलदार विजय सेनानी और पंधाना थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय की मौजूदगी में बगैर भीड़ के लगाए गणगौर घाट पर जवारों का विसर्जन किया गया। खबर मुंगेली से है, यहां जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना से मृत युवक के शव को प्रशासन ने चिता के ऊपर में रख के घंटों से प्रशासन के अधिकारी गायब रहे और परिजनों घंटों से अधिकारियों के फोन लगाकर अंतिम संस्कार करने के लिए गिलगिला रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को दिन बीत जाने के बाद रात भर शव को जिला अस्पताल में रखा गया और अब अंतिम संस्कार की आस में परिजन है। खंडवा जिले के पंधाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि पंधाना में 23 अप्रैल से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान फल सब्जी की बिक्री ठेले के माध्यम से हो सकेगी, किराना आरओ वाटर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। आवश्यक सेवाओं में मेडिकल अस्पताल, बैंक, ATM, पेट्रोल पंप, शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में दमोह उपचुनाव के प्रचार थमने के बाद सियासी दल जीत के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच दमोह घटना व सरकार के इशारे व प्रशासन की तानाशाही में एक पक्षी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी जीतू पवारी, मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने मीडिया से चर्चा की। प्रतिनिधि एक ऐसा परिवार होता है, जब वो चुनाव लड़ता है तो किसी पार्टी से लड़ता है, जब चुनाव जीत जाता है तो जनता का सेवक होता है, नौकर होता है। जो अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो एक जनप्रतिनिधियों का परिवार होता है, वो पार्टी के नहीं होते हैं, जनता का। शंकर लालवानी हमारे सांसद है, हमारे
सारे विधायक कांग्रेस के और बीजेपी के, हम सब एक जनप्रतिनिधियों का परिवार, कैसे भी बने मुख्यमंत्री जो आज है मध्य प्रदेश में, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री संजय शुक्ला जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरा इंदौर उसके लिए उनको साधुवाद दे रहा है। दुख दर्द लोगों का बांटने का प्रयास कर रहे हैं जो सराहनीय है, जिसकी तारीफ करनी चाहिए। शंकर लालवानी जी भी हमारे सांसद हैं, 5.5 लाख वोट से चुनते गए हैं। मैं मानता हूँ ऐसे में वो भी कुछ कर रहे होंगे, हम ऐसा मना नहीं कर रहे हैं। कोविड में किसी की बुराई का स्वभाव नहीं बन सकता। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, प्रशासन के माध्यम से गुंडागर्दी पर उतर आई है, करोड़ों रुपए चुनाव में लुटाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं मतदान को प्रभावित करने के लिए। आज एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी जिसे मंत्री भूपेंद्र सिंह की बताई जा रही थी, जिसके अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन और समर्थकों ने खुला आरोप लगाया कि इसके अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं, प्रशासन इस गाड़ी को जब्त करे, श्याम नगर क्लब हाउस का 101 नंबर कमरा, उसमें लाखों रुपए पड़े, पूरी तरह से प्रशासन ने गुंडागिर्दी तानाशाही रवैया अपनाया, उस गाड़ी को जब्त नहीं किया और मौके से ड्राइवर गाड़ी लेके फरार हो गया। पूरा देश कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण परेशान है। कल दतिया में तकरीबन 98 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जिला कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए अपनी कमर कसी और पूरी टीम के साथ सलकोर पर उतर कर कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दिन रात नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सड़क पर उठक बैठक लगवाकर सजा दी। आज शाम से पूरा कोरोना कर्फ्यू रहेगा 26 तारीख की सुबह तक। कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के दुश्मन हैं। अगर मैं खुल के बोलूँ तो दरअसल खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, माँ बाप को और पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। तो जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। खबर मंडला से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को प्रशासन सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करा रहा, जिसको लेकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 2 प्रतिष्ठानों पर तहसीलदार, SGOP और पुलिस निरीक्षक ने सील करने की कार्रवाई की है, जिसमें टेस्टी रेस्टोरेंट और आशीष हार्डवेयर को सील किया गया। कोरोना के कहर के बीच ऐसी तस्वीर आ रही है जो हिला देने वाली है। ऐसी तस्वीर भोपाल से आई है, जहां एक साथ कई चिताएं जलती दिख रही हैं। कल भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर गुरुवार को एक साथ 40 से ज़्यादा चिताएं जलती नजर आई। कल अकेले भदभदा विश्राम घाट पर कोविड संक्रमित 72 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा सुभाष नगर विश्राम घाट पर 30 और कब्रिस्तान में 10 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। आलम यह है कि शमशान में जगह कम पड़ रही है, लकड़ियां मिलने में दिक्कत हो रही है, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही के मामला सामने आया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने उस मरीज को मृत घोषित कर दिया जो वेंटिलेटर पर था। करीब 13 घंटे तक परिजन को सूचना के बाद गुमशुदा रहे वह परिजन ने बेतवा के मुक्तिधाम पर तैयारियां शुरू कर दी। परिवार के लोग अब जब मर्चरी रूम में शव लेने पहुंचे तो हैरान रह गए, यहां उन्हें शव ही नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ परिजन मुक्तिधाम से लगातार कॉल कर रहे थे। इसी बीच परिजनों ने नाराजगी जाहिर की तो डॉक्टर ने मामले की गंभीरता समझी। बाद में पता चला कि जिस मरीज को स्टाफ ने मृत घोषित कर दिया है उसका इलाज चल रहा है और वह जिंदा है।
मोतीलाल पुरी जो थे वो अचानक वो वेंटिलेटर पे ही थे और उनकी हृदय की गति रुक गई थी, तो इस समय किसी नर्स ने उनको जाके बता दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। परंतु जैसे ही हृदय की गति रुकती है तो उसके बाद में डॉक्टर जो है उनको हृदय को दोनों हाथों से दबा के उसके हृदय को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है जी। आपके बेटे की तबीयत खराब थी, क्या मामला हुआ था, किस तरह से क्या बोला गया था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने बोला था कि उनका वेंटिलेटर भर्ती करना है। इसके बाद उन्हें फिर दूसरे दिन उन्हें सुबह बोलने लगे कि उनका आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पिताजी की तबीयत सीरियस है। मैं गया उनके पास, बोलने लगे उनकी हम उनको बचा नहीं पाए। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने जिला चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में पीपी किट पहनकर कोरोना पेशेंट और जिला चिकित्सालय की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरबी कुरेल के साथ साथ अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि महज 15 मिनट के लिए पीपी किट पहनने में पूरी तरह से भीग गया हूँ, जबकि हमारे डॉक्टर इसे पूरे दिन पहनकर कार्य करते हैं, जो सराहनीय है। साथ ही कलेक्टर ने कोरोना पेशेंट के लिए खाने की व्यवस्था, दवाइयां, जिला चिकित्सालय व अन्य सुविधाओं को लेकर बेहतर प्रयास करने की बात कही है एवं कोरोना वार्ड में पेशेंटों से बात कर उनका हाल भी जाना। उसमें मैं विधिवत पीपी किट वगैरह पहन के गया था, ये देखने के लिए गया कि एग्जैक्टली वहाँ जो व्यवस्थाएं इनसाइड है उसको एक्सपीरियंस करने गया कि किस प्रकार से ट्रीट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से पेशेंट वहाँ हैं, किन हालातों में हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह जो दी जा रही है वो किस प्रकार से है। इस वक्त चारों ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार सड़क पर कमर कसकर उतर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया में आगामी 26 तारीख तक कर्फ्यू लगाने का आदेश भी जारी किया है। इसी दौरान कुछ घंटे के लिए दूध और राशन की दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की गई है। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। इसमें जनता की भलाई है। अप्रैल को शाम 6 बजे से लेकर के 26 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक जो कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सारे दुकान नियमित तौर से खुलेंगे ताकि गरीबों को राशन आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ में किराना की दुकानें, ये दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन जिन दुकानदारों के पास होम डिलीवरी की सुविधा होगी, अर्थात उनके पास लोग होंगे, वॉलेंटियर्स होंगे, वो उनके माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे। बड़वानी जिले की CMHO डॉक्टर अनीता सिंगारे 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। जानकारी के मुताबिक वो पिछले साल भी कोरोना से पॉजिटिव हुई थी और इस बार वो फिर से कोरोना की चपेट में आ गई हैं। CMHO ने अपने इलाज के दौरान एक वीडियो जारी किया है जिसमें सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं। दरअसल CMHO डॉक्टर अनीता को कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे, जिससे इस बार कोरोना की चपेट में आने से उन पर कोरोना वायरस का ज़्यादा असर नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंगारे CMHO बड़वानी। पिछले साल मैं 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद मैंने इस वर्ष अपने कोरोना के 2 टीके लगवाए हैं। टीका लगाने के बाद भी 12 अप्रैल को मैं दोबारा संक्रमित हुई हूँ। टीका लगने से ये बेनिफिट है कि जो टीके के कारण मेरे शरीर में एंटीबॉडी बनी है उसके कारण कोरोना के वायरस से मेरे शरीर के ऊपर किसी तरह का ज़्यादा प्रभाव नहीं आया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैंने अपना पूरा इलाज ले लिया है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि आप कोरोना के 2 टीके अवश्य लगवाइए। देश भर के शमशान की तस्वीरें सबको डरा रही हैं, लेकिन भोपाल के शमशान में बढ़ती भीड़ ने एक बार
बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एमपी सरकार कहती है भोपाल में पिछले 4 दिनों में सिर्फ 5 कोरोना से मौत हुई है और भोपाल के लिए शमशान घाट तकरीबन फुल हैं। भदभदा विश्राम घाट में पिछले 4 दिनों से कोरोना संक्रमितों की जली हुई 124 चिताएं हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 3 मौतें हैं। भोपाल में 15 को 8 की मौत का आंकड़ा, जबकि 114 बॉडी का संस्कार किया गया है। देखिए विश्राम घाट की तस्वीरें। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। एक, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 2, 4, कोरोना की होगी हार, 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा जिले के मुक्तिधाम में 10 नए शवदाह स्थल बनाने का कार्य शुरू किया गया है। वर्तमान हालातों को देखते हुए मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने जारी विज्ञापन में बताया कि अभी तक हमारे पास 13 शवदाह स्थल है जो वर्तमान परिस्थितियों में कम पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के सहयोग से 10 अस्थायी शवदाह स्थल बनाने का कार्य शुरू किया गया है। बड़वानी जिले के कोरोना प्रभारी और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल प्रेम सिंह पटेल कल बड़वानी जिले के दौरे पर थे, जहां मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बड़वानी जिले के सेंधवा में नगर परिषद के हॉल में पत्रकारों से कोरोना को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कोरोना से लगातार हो रही मौतों को लेकर कहा कि जिसकी उम्र हो जाती है उसे तो मरना ही होता है। इसी के साथ मंत्री पटेल ने कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े को छुपाने को लेकर कहा कि मृतकों के परिजन ही मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं, लोगों को पता न चल जाए इसलिए चुपचाप ले जाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजी ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है लगातार बड़ी संख्या में, प्रशासन आंकड़े नहीं बता रहा है, मात्र 36 मौतों का आंकड़ा पिछले साल से चला आ रहा है। वर्तमान में बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है, संदिग्ध मरीजों की मौत, क्यों नहीं आंकड़े जोड़े जा रहे? देखो एक बात तो ये सामने आ रही है कि लोग भी छिपा रहे हैं इस बात को, क्योंकि वो कहना नहीं चाहते हैं कि इस कारण से मरा है। छतरपुर जिले में कोरोना का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी और कलेक्टर खुद सड़कों पर आके लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं, और जो लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर बेवजह घूमते मिल रहे हैं उन्हें प्रशासन मुर्गा बनाकर सजा दे रहा है। आपको बता दें कि जिले में 22 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। विदिशा जेल में बंद कैदियों की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए डॉक्टर डीके शर्मा जिला टीकाकरण अधिकारी के नेतृत्व में एक दल गठित कर कैदियों का वैक्सीनेशन किया गया।
एवं उन्हें वैक्सीन की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। मुरैना में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आपस में भिड़ गए। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बीच दोनों में जमकर बहस हुई। मैं समझता हूँ लॉकडाउन की कड़ाई से पालन होता है। लॉकडाउन में ये होता है जाने वाले व्यक्ति को रोका जाता है, आवश्यकता अगर वो जा रहा है तो उसको जाने, नहीं उसको बैठो पवेलियन तो मुखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत गुबरेल के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत गुबरेल का पानी की समस्या को लेकर घेराव किया। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते पूरा ग्राम बीमार पड़ा है तो दूसरी तरफ पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत वाले काफी परेशान हैं। हम लोग सभी ने पंचायत का घेराव किए हैं कि हमारी पानी की समस्या को जल्दी जल्दी हल की जाए। नहीं हो रही हमारे गाँव में, सरपंच सचिव कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी, और ग्राम पंचायत में कोई सुनाई नहीं हो रही है। पानी का टैंकर का व्यवस्था करो या पानी का चलते बोर चालू करवाओ। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से चारों ओर फैल रहा है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां एवं मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता भी पड़ रही है। दिनांक 15 अप्रैल गुरुवार को एक विशेष हेलीकॉप्टर से 192 रेमडेसिविर इंजेक्शन खंडवा पहुंचे हैं। रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमको शासन से प्राप्त हुए हैं, जो चापर के द्वारा शासन द्वारा हमको पहुंचाए गए, जो हमने एयर स्ट्रिप से प्राप्त किए 12:41 बजे हमने उनको जो है प्राप्त करके जो है जमा कर दिया। शिवपुरी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक शिक्षक की बुधवार सुबह करीब 8 बजे मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर उसकी मौत की वजह ऑक्सीजन घटने से होना बताया गया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना मरीज की मौत के इस कारण को नकारने के लिए कई तर्क दिए हैं, लेकिन वे अपने ही तर्कों में उलझते दिख रहे हैं। परिजनों के हंगामे और आरोप के बीच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर KV वर्मा ने कहा कि मरीज की ऑक्सीजन नहीं हटाई गई, उनकी हालत खराब थी इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। पेशेंट अभी मुझे पता लगा है कि झांसी से जो पेशेंट 11 तारीख को शिफ्ट हुआ था, जो डायलिसिस करवा रहे थे, बहुत पहले से डायलिसिस पे भी थे, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उनके बारे में उनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी शीघ्र ही हम CCTV फुटेज देख करके बाकी पूरी इंक्वायरी करा करके और यदि किसी ने अपराध किया तो उसको दंड दिया जाए। शहडोल जिले में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। हालात यह है कि रोजमर्रा के व्यापार से अपना जीवन यापन करने वालों के सामने संकट गहरा गया है। वहीं कुछ लोग इस दौरान भी अपनी वसूली से बाज नहीं आ रहे हैं और जब बाजार बंद है फिर भी उनसे बैठकी के नाम पर पैसा वसूल किया जा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा शहडोल जिला मुख्यालय में देखने को मिला, जहाँ जिले के बाहर से अपना पेट पालने आए मटका विक्रेता से इस लॉकडाउन में भी नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक बैठक वसूली की गई। बैटरी वाले आए, हाँ कितना ले गए? 15 GB है, 300 रुपये ले गए। अभी भी आ रहे हैं लोग? जी आ रहे हैं, कल भी दिया था। हरिद्वार कुंभ के मेले से लौट रही बस के ड्राइवर का संतुलन खो जाने से बस खंडी में जा गिरी, जिसमें सवार 20 से 25 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए इंद्रगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है। बस में क्या है सर, रोड पे कोई आड़ा आदमी आया और उसके वजह से उसको माने सीधी घुमाई, उस वजह से बस पड़ गई। उज्जैन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है, वहीं प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रशासन द्वारा कोविड-19 के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे वकील राजेश उपाध्याय की 4 दिन पहले लंबे इलाज के बाद मौत हो गई और प्रशासन का कहना है कि राजेश उपाध्याय की मौत कोरोना से नहीं हुई है। इस बात पर अशोक यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब कोरोना से मौत नहीं हुई तो उनके शव को परिजनों को क्यों नहीं सौंपा गया, और अगर कोरोना से इलाज उनका अगर चल रहा है तो अगर उनकी मृत्यु के बाद उनके शव परिजनों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दतिया कलेक्टर ने दतिया में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया। अप्रैल को शाम 6 बजे से लेकर के 26 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक वो कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है। सीहोर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर अजय गुप्ता ने 15 अप्रैल की रात 10 बजे से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की।
हरदा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल और कलेक्टर संजय गुप्ता ने वर्चुअल रूप से मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बता दें कि 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल तक कर्फ्यू जारी रहेगा। शहडोल जिले के बोहार से पुलिस उप निरीक्षक द्वारा सब्जी व्यापारी के साथ मारपिटाई का मामला सामने आया है। सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट से भड़के फल व सब्जी व्यापारी अपने अपने ठेले लेकर थाने पहुंच गए और थाने के सामने घंटों प्रदर्शन किया, जिसके बाद बोहार टीआई ने मामले को संभालते हुए सब्जी व्यापारियों को समझाया और मामले को शांत कराया। कोविड 19 की चपेट में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स भी आने लग गए हैं। आज पुलिस महकमे के लिए बड़ी दुखद खबर आई। SDOP रतलाम मान सिंह चौहान की कोरोना से मेडिकल कॉलेज रतलाम में मृत्यु हो गई। सीहोर जिले के कोविड पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के प्रभारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जिला पंचायत सभाकक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। बैठक में मंत्री सारंग ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं कोविड मरीजों के उपचार के लिए की जा रही गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 193 बॉक्स में कुल 9264 रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं, जिनमें से चॉपर के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल, 7 रतलाम और 4 खंडवा पहुंचाए जाएंगे। इसी तरह स्टेट प्लेन के द्वारा 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 रीवा, 39 जबलपुर और 14